विकास पाठक उर्फ हिंदुस्तानी भाव, जिसे हिंदुस्तान का हर एक बच्चा जानता है और बिग बॉस में भी नजर आ चुके हैं। अपने अंदाज और डायलॉग से विकास पाठक उर्फ हिंदुस्तानी भाव हर किसी के जुबा पर रहते हैं, लेकिन हाल ही में हिंदुस्तानी भाव को मुंबई पुलिस ने छात्रों को उकसाने पर गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मामला 10वीं और 12वीं के छात्रों के बोर्ड की परीक्षा को लेकर है। भाऊ का कहना है कि बोर्ड की परीक्षा ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन होनी चाहिए। भाऊ के एक वीडियो पर छात्रों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हिंदुस्तानी भाऊ हमेशा ही सुर्खी में बने रहे और आए दिन उनके वीडियो भी वायरल होते रहते। आखिर कौन है ये हिंदुस्तानी भाव? चलिए आपको हम आज बताते हैं। हिंदुस्तानी भाव एक मराठी परिवार से आते हैं। इनका पूरा नाम विकास पाठक है, जो हिंदुस्तानी भाव के नाम से पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। भाव एक लोअर मिडिल क्लास परिवार से आते हैं, जिन्हें अपने शुरुआती करियर में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। उन्हें होटल में वेटर की नौकरी भी करनी पड़ी और बाद में उन्होंने अगरबत्ती भी बेचना पड़ा। इसके बाद भाव को एक मराठी अखबार में काम मिला। इसके बाद हिंदुस्तानी भाव ने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, जिसमें भाव अभिनेता संजय दत्त की मिमिक्री करते थे। धीरे धीरे यूट्यूब चैनल चल पड़ा और भाव की वीडियो वायरल होने लगी। इसके बाद भाव ने देश के मुद्दों पर भी बात करना शुरू कर दिया और अपने वीडियो में जो लोगों को खासा पसंद आता है वो है भाव का मिजाज और वीडियो में गाली देना। हिंदुस्तानी भाव अपने वीडियो में पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ते और हमेशा कोई ना कोई वीडियो लाते हैं। हिंदुस्तानी भाव को उनके करियर का सबसे बड़ा ब्रेक मिला जब हिंदुस्तानी के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस में बतौर कंटेस्टेंट नजर आए। हालांकि शो में भाव जीत तो नहीं पाए, लेकिन सबसे बड़े एंटरटेनमेंट का अवार्ड मिल गया। हिंदुस्तानी भाव को इससे पहले भी एकता कपूर से विवाद में चर्चा में देखा जा चुका है। अब भाव के एक वीडियो से छात्रों का सड़क पर आना कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी भाव की पॉपुलैरिटी को दर्शाता है। हमारे साथ है जिनको बच्चों के भविष्य की परवाह है, तो अच्छी बात है। अगर इनको परवाह नहीं है तो फिर हमको भी किसी की परवाह नहीं है, देखा जाएगा फिर। आज हम लोग ने जो पावर बताया वो उनको तो उन तक पहुंचाइए। ये चाहते हैं कि और करा जाए तो इससे हजार गुना ज्यादा हो सकता है फिर। तो ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। अगर आप पूरा पिक्चर देखना चाहते तो हम पूरा पिक्चर भी दिखा सकते। तो वो निवेदन देने के लिए बुलाया था, दंगल करने के लिए किसको नहीं बुलाया था, ना ये कौन से पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा था, तो ये क्लियर करना जरूरी था। तो हम लोगों ने कोर्ट को बोला, पुलिस को बोला, आप इन्वेस्टिगेट कर दो, आपको जो कॉपरेशन मांगता है वो हम लोग देंगे।